वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। आपका सक्सेस और आपका ट्रस्ट ही हमारे चैनल का मिशन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा कि आज का और बहुत दिनों से एसएससी फेस 7 अभी यूट्यूब पे छाई हुई है, बहुत ही हॉट टॉपिक है कि कब रिजल्ट आएगी, क्या कट ऑफ होना चाहिए 10+2 ग्रेजुएशन लेवल या मेट्रिकुलेशन लेवल पे, क्या कट ऑफ जाना चाहिए, किस पोस्ट पे क्या कट ऑफ हो सकती है। बहुत ऐसे कन्फ्यूज़न है कि कब रिज़ल्ट आएगी। तो जो भी आपके क्वेरी है, जो भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का क्वेरी है, तो आज हम लोग आपको इस वीडियो में जो भी आपका क्वेरी है, वो सारे क्वेरी का आंसर हम लोग इस वीडियो में आपको देंगे। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे, वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करें हमेशा और हर रोज़ जो भी हम वीडियो लेके आएँ। और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप लिंक स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप किसी प्रकार के PDF खोज रहे हैं SSC या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी प्रकार का बुक का PDF अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं। सारी PDF आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और अगर कोई PDF नहीं मिलती है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम अपने तरफ से उसे डेफिनेटली अपलोड कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग ने देखा भी होगा कि अभी का जो हॉट टॉपिक SSC फेस 7 चल रही है, तो इस वीडियो में हम लोग ईस्टर्न रीजन का 10+2 लेवल पर क्या कट ऑफ होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे मैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो कि आपकी ER11019 जो कि 10+2 लेवल पे लैब असिस्टेंट का, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि हम ग्रो कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिए जो भी हो ट्रांसपेरेंट और एकदम बिल्कुल सही वीडियो लेके आ सके। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम और आपके लिए अच्छा काम कर सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखी है, तो मैं आपको पहले बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ जो 10+2 लेवल के ईस्टर्न रीजन की जो भी पोस्ट थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ER101109 जो पोस्ट थी, ये आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए थी और यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी में बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो एडिशनल हो चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, लेकिन होना चाहिए और आप उसमें एटलीस्ट पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। और यहाँ पे जनरल के लिए 4 वैकेंसी है और OBC के लिए 2 वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी 6 है। तो ये 10+2 लेवल पे थी। और आप भी और भी यहाँ पे पोस्ट थे जो कि प्राइमरी टीचर, जहाँ पे DL Ed मांगा गया था, तो ये सारे थे। और यहाँ पे 18 से 27 एज था और यहाँ पे 18 से 30 थे। तो ये कुछ पोस्ट रहे जो ईस्टर्न रीजन में बहुत ही आपके फेमस थे 10+2 में अप्लाई करने के लिए। तो आज हम लोग बेसिकली इस पर ही ज़्यादा फोकस दे के डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे इसके बाद कोई टाइपिंग किसी प्रकार का दूसरा फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में पास करते हैं, सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, तो डायरेक्ट आपका नाम मेरिट लिस्ट में रहेगा। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि ये RTI जो की गई थी, तो इसका रिप्लाई आया था। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि RTIonline.gov.in का ये रिक्वेस्ट आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है। तो रुकिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जो पूछा गया था कि आप देख सकते हैं कि नवंबर महीने में RTI की गई थी, यहाँ पे पूछा गया था कि हाय सर, व्हेन SSC सिलेक्शन फेज 7 एंड SSC MTS 2000 रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो जैसे कि इन्हें रिप्लाई दिसंबर में आया था, तो दिसंबर में रिप्लाई आने के बाद यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके पास कोई अपडेट नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगी। तो इन लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया था। तो जो भी अगर आपको बोलते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगी कल आएगी, तो मुझे लगता है कि वो बेफिजूल की बातें होंगी। बस आप इतना जान लीजिए कि रिज़ल्ट आपके सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में आ सकती है। जनवरी में ही आएगी, लेकिन आशा किया जा रहा है कि थर्ड वीक ऑफ जनवरी में एटलीस्ट आपके रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे SSC फेज 7 के लिए। तो ये तो रहा पहला अपडेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप अभी कंपेरेटिव पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो आप भी चाहे तो जुड़ सकते हैं, आप भी चाहे तो इस सर्वे के पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे MTS के भी सर्वे ऑलरेडी चल रही है, तो जो ऑलरेडी एक्टिव है, तो आप भी प्लीज़ जुड़िए और यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कि करेक्ट सर्वे के रिज़ल्ट आ सके। तो आपको लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए हम लोग ने सर्वे किया था, तो हमने बहुत जगह शेयर किया था, बहुत जगह से रिज़ल्ट आए। तो
बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया अलग अलग जगह से। इसके अलावा भी हम लोग ने सिर्फ 10+2 करके भी सर्वे किया था। तो जनरली देखिए कि ये तो जो बेसिक सर्वे हम लोग ने किया था, जो यहाँ से रिज़ल्ट हमें मिले, इसके अलावा भी मैं आपको और कुछ डेटा दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक पागल गाय बोल के एक ब्लॉग है, वेबसाइट बोल सकते हैं या डिस्कशन फोरम बोल सकते हैं, बहुत ही बिगेस्ट डिस्कशन फोरम है। आप यहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी पार्टिसिपेट कीजिए सर्वे में, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे भी एक सर्वे ऑलरेडी चल रही थी। तो आपको जैसे पता है कि SSC फेज 7 में स्टूडेंट कम होते हैं क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती है, तो ज़्यादातर किसी किसी पर्टिकुलर पोस्ट में 200-300 से ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं होते हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस या पर्टिकुलर MSc और मास्टर डिग्री अगर डिमांड में रहती है कि हाँ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पोस्ट के लिए सर्विस चल रही थी, तो अभी तक यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स 159 देखा गया है, ठीक है। और जो भी मैंने सर्वे किया मैं आपको भी, तो जैसे कि जो भी हमने एनालिसिस किया, जो भी सर्वे किया, तो लगभग हमें 200 से 250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया उस पर्टिकुलर सर्वे में। और उसके अलावा हम लोग ने जो भी डिस्कशन फोरम था वो सारे जगह भी हम लोग ने चेक किया। तो मैं एज अ होल आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। तो लगभग जो हमने पाया है कि यहाँ पे जो UR के जो चार पोस्ट हैं उसके लिए आपको 162 कट ऑफ जाएगी, और जो OBC है OBC के लिए 158 कट ऑफ जाएगी। तो आप इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, लेकिन लगभग इतने ही कट ऑफ आपके जाएंगे। तो टोटल 6 पोस्ट है और इतने कट ऑफ लगभग प्लस माइनस 2 करके जो भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ER110019 के लिए बताया है। इसके अलावा और जो भी पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट के लिए भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे आके वोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम लोग आपके लिए और भी जो अलग अलग पोस्ट है सारे पोस्ट के लिए ही आपके लिए एनालिसिस हम लोग लेके आएंगे। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस पोस्ट से अप्लाई किए हैं और क्या मार्क्स है, सारे शेयर कीजिए हम लोग के संग। तो बस आज के लिए इतना ही बताना था। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।